स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गो स्टडी चैनल पर। दोस्तों जल्दी से सभी जुड़ जाइए और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गो स्टडी चैनल में। दोस्तों जैसा कि मैं अनुपम वर्मा, दोस्तों हमेशा आपको रोज़ डिफरेंट डिफरेंट जीके की क्लासेस, इंपॉर्टेंट जीके की क्विजेस मैं आपको इस चैनल पर लेकर आता हूं। ओके, तो सभी बच्चे इस चैनल के साथ अपनी, अगर आप जीके को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो सभी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो चलो सभी जल्दी से जो भी इस टाइम बच्चे लाइव में, एक बार वीडियो के लिंक को कॉपी करके सेंड कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, जो भी टेलीग्राम हो गया कहीं पर भी, जहां पर भी आप लिंक्ड है वहां वहां शेयर कर दीजिए। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट अपने टेस्ट सीरीज़ की क्लास नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट विद डिटेल के साथ। ओके चलो, तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को शेयर कर दो और फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। चलो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि लिखा है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है, बताओ बच्चों जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। चलिए तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बी इसका बिल्कुल सही जवाब। कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं, 10 भौगोलिक क्षेत्र। ओके, 10 बिल्कुल इसका, सॉरी 10 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सहजता के साथ हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है, बताइए बच्चों हमारा आर्टिकल 343 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि लोकसभा के लिए सीटों की संख्या से संबंधित है, राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या, या फिर आधिकारिक भाषा के रूप में, या फिर कश्मीर के विशेष दर्जे के लिए जो है आर्टिकल 343 जो है वो इम्पॉर्टेंट, मतलब रिलेटेड है, किसके साथ ये रिलेटेड है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूं, अगर आपने देखा है तो 2 बजे वाली जो प्लेलिस्ट है, 2 बजे वाली क्लास की, रिवीजन क्लास की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप नीचे स्क्रॉल करके देखिएगा, लगभग क्लास नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी जो क्लासेस जो हैं वो सभी किस चीज़ की हैं, पॉलिटी की क्लासें हैं। ओके बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सचिन बेटा देखा है तो अच्छी बात है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करो कि राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किससे, आधिकारिक भाषा के रूप में है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, आर्टिकल कितना 343, बिल्कुल। आकांक्षा कुमारी बिल्कुल राइट आंसर है, सचिन कुमार बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा एक बार जल्दी से बच्चों शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MRI जो होता है उसका जो है ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, तो इसका एक पूर्ण रूप बताओ क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है MRI का। चलिए एक ये डायग्नोस्टिक टूल है तो फुल फॉर्म बताना है MRI का, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि MRI का जो है फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ओके चलिए, और आप लोगों के साथ की वजह से जो भी चैनल ग्रो हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए। जितनी मैं आशा कर रहा था उतना आप सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों के सपोर्ट से चैनल बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। ओके, और ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए और आपको अच्छी अच्छी क्लासे ऐसे ही मैं देता रहूँगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बच्चों राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग होते, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है MRI का। ओके बिल्कुल शिवानी बेटा, सॉरी शिवम बेटा, बी आंसर नहीं होगा, सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन है, 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको बताना है कि कौन है,
चलो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, और इसके बारे में आपको बता दूं जो फाइनेंस कमीशन का जो है वो गठन कब हुआ था, यानी अगर हम बोले कि स्थापना कब हुई थी तो 1951 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो बच्चों 280 आर्टिकल नंबर 280 के अंडर जो है फाइनेंस कमीशन आता है। आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा गया है। अगर हम करंट की बात करें तो इस टाइम हमारे कौन है फाइनेंस कमिश्नर, आंसर दो बच्चों। और पेपर में एक क्वेश्चन एसएससी में पीछे मैंने देखा, मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ लेकिन मैं आपको ओरल बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अपने फर्स्ट जो है फाइनेंस कमिश्नर कौन थे। मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कि फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर कौन थे। चलिए और इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। वाई वी रेड्डी, ये कौन आंसर दे रहा है बच्चा? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दो बच्चों क्या होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों एनके सिंह, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का 15th फाइनेंस कमिश्नर कौन है, एनके सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओके बच्चों, उसके बाद पेपर में एक बार पूछे गया है कि फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर कौन थे, तो केसी नियोगी जो थे वो फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर थे। ओके बच्चों, ये बात नोट करके रखिएगा, फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर कौन थे, केसी नियोगी थे। ओके बच्चों, केसी नियोगी, और करंट के जो 15th फाइनेंस कमिश्नर हैं वो कौन है, वो हमारे एनके सिंह है। ठीक है बच्चों, चलो बेटा 15th की बात करी है मैंने, 15th की बात करी है तो एनके सिंह है। ओके चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक मिनट बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन है कि पसेरिदे डैस का वैज्ञानिक नाम है, इसमें से किसका नाम है पसेरिदे, बताइए। गिलहरी का नाम है वैज्ञानिक नेम है, स्पैरो का, छिपकली का, या फिर स्पाइडर बंदर का, बताओ बच्चों। चलो बिल्कुल शिवम बेटा, सभी से आगाह कर दो कि लाइक कर दे। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर स्पैरो का। ओके, स्पैरो का जो है साइंटिफिक नेम क्या है, पसेरिदे। ओके, आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, हिंदी के अंदर पसेरिदे लिखा हुआ है। ओके बच्चों, चलिए आप सभी को पता मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो प्रोनाउंसिएशन करना मेरी दिक्कत है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे प्यारे बच्चे समझते हैं कि प्रोनाउंसिएशन वो अपने आप कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन की खोज किसने की थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मैं दो चार फैक्ट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। पहले आप मुझे आंसर दो, फिर मैं आपको बताता हूँ, और मुझे साथ में कमेंट बॉक्स करके ये भी बता देना कि इसका जो है इन्वेंशन कब किया गया था, कौन से ईयर के अंदर टीवी का इन्वेंशन किया गया था, मुझे ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, टेलीविजन की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड टेलीविजन। चलिए तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बियर्ड। बिल्कुल, जिन बच्चों का बिल्कुल, अनीता जी का बिल्कुल राइट आंसर आया है, बियर्ड बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है। तो अब हम बियर्ड की बात करें, जो इनका पूरा नाम क्या था, जॉन लॉन्गी बियर्ड, इनका पूरा नाम जो है वो क्या है, जॉन लॉन्गी बियर्ड है। इन्होंने जो टीवी का इन्वेंशन किया था 1925 के अंदर, लंदन के अंदर इन्होंने इन्वेंशन करा था मैकेनिकल टीवी का। यहाँ पर सिर्फ टेलीविज़न लिखा है, लेकिन पेपर में पूछा जाता है बहुत ही मतलब डीप में अगर जाकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर लिखा होगा कि मैकेनिकल टीवी का जो है इन्वेंशन किसने किया था, तो जॉन लॉन्गी बियर्ड ने करा था 1925 के अंदर, और कहाँ पर करा था, लंदन के अंदर करा था। तो सभी बच्चे ये बात याद रखेंगे। ओके, क्लियर है जॉन बियर्ड के बारे में सारा कुछ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि साइक्लोट्रॉन का जो है उपयोग किसको त्वरित करने के लिए किया जाता है, न्यूट्रॉन को त्वरित करने के लिए, प्रोटॉन को, परमाणु को, या फिर आयन को, बताओ बच्चों किसको त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 साइंस का क्वेश्चन है, सभी बच्चे जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, और जो जॉन बियर्ड थे
जॉन बेर्ड की अगर बात करें तो वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, वो एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे, लेकिन उसकी जो नेशनलिटी थी वो क्या थी, एक ब्रिटिश थे, ठीक है, लेकिन उनके आगे स्कॉटिश इंजीनियर का नाम लगता है, उनके नाम के साथ में क्या लगता है कि वो एक स्कॉटिश इंजीनियर थे, तो ये भी बात याद रखिएगा। पेपर में पूछा जा सकता है कि एक मैकेनिकल टीवी का जो इन्वेंशन है वो स्कॉटिश इंजीनियर है, फिर आपको नाम दे दिए जाएंगे क्या क्या है, फिर आपको उनका आंसर देना होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो बच्चों राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन का त्वरित करने के लिए। ओके, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, बिल्कुल आकांक्षा, बिल्कुल राइट आंसर आपका। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्वेश्चन नंबर एट कहता है कि रोशनी वाले बल्ब को फिलामेंट जो होता है, जो बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है उसका आमतौर पर एक तापमान कितना होता है, बताइए। 100 से 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, या 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक, बताओ। रोशनी वाला जो बल्ब होता है, सपोज करो 100 वाट वाले बल्ब के अंदर जो होता है, जो फिलामेंट होता है उसका जो है तापमान कितना होता है, टेम्परेचर आपको बताना है कि कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, चलो आंसर दो बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इन क्वेश्चन को मेजर करके आप देख लीजिएगा, एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिएगा कि एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल बेटा जो होगा इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, जिन बच्चों को डाउट हो वो एक बार चेक कर लें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा कि एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना होता है, 24 केल्विन, 138 के, 150 के, या फिर 300 के, बताओ बच्चों। एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए शिवम, सचिन, अनीता, शिवम मौर्य, चलिए शिवम बेटा आपसे मैं आपसे सॉरी मांगना चाहता हूँ कि आपका नाम पढ़ते वक्त मुझे शिवानी नाम याद आ जाता है। चलिए एक्चुअली मैं, मेरे नाम पर एक मेरा स्टूडेंट है बहुत ही करीब का स्टूडेंट, तो मेरा उस नाम जो है वो जुबान पर रटा हुआ है, तो इसलिए उसके लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ, ठीक है। मेरा आपका नाम जो है मैं कई बारी आपका शिवानी नाम ले लेता हूँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों होगा वो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का, 138 के। ओके, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी की परत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, सिलिकॉन है, कार्बन है, सोडियम है, या फिर क्लोरीन है, बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन के बाद। चलिए ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद कौन सा तत्व है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आकांक्षा बेटा आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो चलिए जैसा कि आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, ए लगभग सभी बच्चों का ए आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सिलिकॉन। ओके, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बच्चों बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे आंसर देते हो फटाफट, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। चलो लिखा कि एक तेल के लैंप बाती में तेल के बढ़ने का जो है कारण क्या होता है, बताओ बच्चों। कैपिलरी रिएक्शन होता है, लॉ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल होता है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है, या प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि कई बार आप एक चीज़ एक्सपेरिमेंट कभी करके देना, पानी के अंदर जो है अपनी एक उंगली रखना, ठीक है, और पानी के बिल्कुल समतल ले जा के रखना, और वो क्या होगा कि जब उसके थोड़ा नियर बाई जाएगा लेकिन आपकी उंगली जो पानी में टच भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी पानी की जो बूंद है वो आपकी उंगली में टच हो जाएगी, तो वो किस वजह से, वो जो प्रक्रिया होती वही प्रक्रिया जो होती है बाती में तेल चढ़ाने की वजह होती है, ठीक है। आप कभी देखना पानी के ग्लास लेना, उसमें अंगूठे को ऐसे रखना, रखते ले जाने उसके करीब इतना ले जाना कि पानी से छुए नहीं, लेकिन जैसे वो एक ग्रेविटेशनल के ऊपर करीब जाएगा, मतलब एक फोर्स लगेगी, वो उसको क्या करेगा, पानी को ऊपर उठा देगा। तो वही वाली जो होती है फोर्स, वही वाला रिएक्शन जो होता है लैंप की बाती वाला रिएक्शन होता है। तो क्या होता है, कैपिलरी रिएक्शन। आप अगर थ्योरी पढ़ोगे, आप गूगल में डाल के देखना कैपिलरी रिएक्शन के बारे में, एक बार सर्च करके देखना, ठीक है, तो आपको वहां पर वीडियो भी मिल जाएंगी और थोड़ी डिटेल भी आपको मिल जाएगी, तो आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग वाले बच्चे होंगे, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले, या फिर जो भी कर रहे हैं, उन बच्चों को इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होता है। इसका एक पूरा कैपिलरी एक्शन का एक पूरा चैप्टर होता है। ओके चलो
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लोहे और जंग, लोहे का जो लोहे पर जो जंग लगता है उसको मुक्त करने के लिए इसके साथ किसका उपयोग किया जाता है? बताओ बच्चों, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, कार्बन का, क्रोमियम का या फिर टिन का? बताओ बच्चों। अतुल बेटा, वो जो होता है ना, अगर जब आप कैपिलरी एक्शन पढ़ोगे ना, तो वैसे तो ये थ्योरेटिकल चीज़ जब पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कैपिलरी एक्शन के बारे में। ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। कैपिलरी एक्शन को जब आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा कि कैपिलरी एक्शन होता एक्चुअली क्या है, ठीक है। चलो, तो इसके साथ क्या, लोहे के साथ क्या मिक्स करते हैं जिससे कि जंग ना लगे? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा, उसके साथ हम क्रोमियम का मिश्रण करते हैं। ओके, क्रोमियम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों टिन नहीं होगा, क्रोमियम को मिक्स किया जाता है, ठीक है। चलो लास्ट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13, नींबू के रस का पीएच कितना होने की उम्मीद होती है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में जब मैं एनालाइज़ कर रहा था तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन, तो इससे पहले जब मैंने रेलवे का एनालाइज़ किया था, रेलवे में भी ये क्वेश्चन लगा हुआ था। रेलवे में भी आपको पता साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और जब मैंने एसएससी की बुक पढ़ रहा था तो मुझे ये क्वेश्चन मतलब नज़र आया। तो सपोज़ ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली डालना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे दोनों जगह ये क्वेश्चन मिला तो मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन तो पूछा गया, वहाँ पर भी 3 बारी पूछा गया, यहाँ पर भी 2 बारी पूछा गया, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे लेकर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ओके, कितना, 7 से कम होता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस वर्ष सिक्किम राज्य का दर्जा दिया गया था? 1973 के अंदर, 1974 के अंदर, 1975 में या फिर 1976 के अंदर? बताइए सिक्किम को सिक्किम राज्य का दर्जा कब दिया गया? क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो भी बच्चों हैं लैंग्वेज के आधार पर, कितने राज्य बने थे, कब बने थे, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको आज कुछ डिटेल में लेके आया हूँ। एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, 2 बजे वाली क्लास से लेकर इस वाली क्लास में ऐसे क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, 1975 के अंदर। ओके, 1975 के अंदर सिक्किम को सिक्किम राज्य का, भारत का एक दर्जा दिया था कि ये भारत का ये राज्य है। ओके, चलिए कोई बात नहीं शिवम बेटा, स्किप करना तो, देखिए स्किप करना अच्छी बात है लेकिन गलत आंसर लगाना बहुत बड़ी बात गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में विधान परिषद है? इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर तो फिर मैं आपको बताता हूँ, और साथ में मुझे ये बता दो कि टोटल अपने कंट्री के अंदर कितने राज्यों के अंदर जो है विधान परिषद है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में कौन बच्चा बताएगा कि 28 या 29 जो भी राज्य हैं टोटल राज्यों में जो है कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, ये मुझे बताइए विधान परिषद कितने राज्यों में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि कितनी विधान परिषद है कितने राज्यों के अंदर। बिल्कुल अनीता दिना, कौन अनीता, बिल्कुल अनीता बेटा ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 6 स्टेट। ओके, बिल्कुल सचिन कुमार, 6 स्टेट, बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन का भी मुझे जवाब दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। चलो, तो साथ में आपको बता दूं कि वो स्टेट कौन कौन से हैं, जो 6 स्टेट हैं वो आपके कौन कौन से हैं, चलिए एक बार मैं बता देता हूं आपको, जूम कर रहा हूं। चलो, 6 स्टेट जो है बेटा, पहला तो आपका यूपी हो गया, पहला आपका यूपी हो गया, फिर क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ओके, महाराष्ट्र मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि बच्चों महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। उसके बाद अपना कौन सा हो गया, महाराष्ट्र के बाद अपना आ गया, महाराष्ट्र के बाद आ गया कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर विधान परिषद, फिर आंध्र प्रदेश। ओके बच्चों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और एक बिहार हो गया। ओके, बिहार के अंदर है, फिर उसके बाद एक तेलंगाना। ओके, ये छः जो राज्य हैं जहाँ पर आपकी क्या है विधान परिषद, एक बार नोट कर लो बच्चों, यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, और कहाँ पर, तेलंगाना के अंदर, इन राज्यों के अंदर जो है विधान परिषद है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे, इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का, बिल्कुल डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16, चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, लिखा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उसके बाद विधानसभा के सभापति, राष्ट्रपति, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? बताइए गवर्नर को जो है शपथ कौन दिलाता है, क्वेश्चन नंबर 16। चलो आंसर दो बच्चों, गवर्नर को जो है शपथ कौन दिलाता है, बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं एक बार अपना आंसर करेक्ट कर ले, सी तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, सी इसका तो आंसर नहीं होगा। तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ
हाई कोर्ट, ओके, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है गवर्नर को शपथ दिलाते हैं, ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17, लिखा कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, बताओ बच्चों, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, विधान परिषद की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 17। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एनालाइज करने में आप मानोगे नहीं, मुझे 4 घंटे लगे हैं इसको एनालाइज करने में, ठीक है। मुझे क्वेश्चन इतना, मतलब जब मैं बना रहा था क्वेश्चन, मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा था क्वेश्चन बनाने में कि यार आज के क्वेश्चन ना मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, आपके हिसाब से पता नहीं लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो बच्चों राइट आंसर होगा, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 30 ईयर कंप्लीट, ओके, 30 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि सभी बच्चों का लगभग बिल्कुल आकांक्षा का जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। चलो इस क्वेश्चन का जवाब तो लिखा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी फरमान है, बताओ बच्चों, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दो मुझे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे जारी करने के लिए न्यायालय द्वारा मतलब फरमान दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। ये बच्चों एक प्रकार की क्या है, जो हमें कहाँ से दी जाती है, न्यायालय द्वारा दी जाती है, आपको पता है फंडामेंटल के अंदर क्या आती, रिट आती है, ओके। तो सिंपल सा था बच्चों ये क्वेश्चन, जब जिसने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ा, सॉरी फंडामेंटल को पढ़ा होगा, उसने फंडामेंटल राइट जिसने भी पढ़ा होगा वो राइट आंसर दे देगा, ठीक है। चलो तो सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, आज सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से आंसर दे रहे हैं कि इनमें से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, कुवारंटो या फिर सर्टिओरेरी, बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड कौन सा इसमें से जो है रिट है, आपको ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए और आपके लिए मैं किसी दिन आपको ये रिट्स मैं आपको फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल की जितनी भी रिट्स हैं आपको ये मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा जो आपको है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एसएससी में बनते हैं, इसलिए ये करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है, यह चैप्टर आपको क्लियर करवाना पड़ेगा। कोई नहीं बेटो, टाइम जब मिलेगा मैं आपको करवा देता हूँ जल्दी से, बिल्कुल। चलो बिल्कुल जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं अपने आंसर को चेक करें और उसके बाद आंसर दें, तो इस आंसर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बी होगा, ओके, हैबियस कॉर्पस बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, जैसा कि अंजलि शर्मा बिल्कुल सही है, आकांक्षा बिल्कुल सही है, ठीक है, जिन्होंने बी आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है, जीना, रत्न, कावल्य या फिर निर्माणसर, बताओ बच्चों, बताओ बच्चों क्या कहा जाता है, जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। चलो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 का लगभग बिल्कुल सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल शिवम, प्रीतमई, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। श्रीनु बेटा एक बार अपने आंसर को चेक करो, सी बिल्कुल इसका सही जवाब है, ओके, कावल्ली बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, लिखा है कि अजंता में किसकी छवियों का प्रमुख बहुमत है, छवियों का मतलब है कि वहां पर जो मूर्तियां हैं सबसे अधिक किसकी हैं, अजंता के अंदर जो भी मूर्तियां बनी है उसमें ज्यादा किसकी सबसे ज्यादा छवि, छवि का मतलब क्या होता है कि जो प्रारूप जो हमें दिखाई देता मूर्तियां वो सबसे ज्यादा किसकी हैं, तो बच्चों शिव की हैं, बुद्ध की हैं, हनुमान जी की या फिर पार्वती की हैं, किसकी सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आंसर दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। नहीं बच्चों आप गलत हो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चे मात खा गए, सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पर मात खा गए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बच्चों बुद्ध इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जैसा कि आंसर में बिल्कुल बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन,
बुद्ध की सबसे ज्यादा प्रतिमाएं वहां पर हैं, छवियां वहां पर हैं, तो बी बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा, जैसा कि सुमित ठाकुर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुमित ठाकुर बिल्कुल सही है, बुद्ध बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ओके चलो, देखा ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में आपने नहीं कभी पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा वो आंसर देंगे, जैसा कि श्रीनु ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो, लिखा है कि बहाबिस डैश कंटरपति थे हिंदू के, मुस्लिम के, बहाबस नहीं वहाबस है, ओके वहाबिस, ठीक है, वहाबिस के बारे में आपको मैं कुछ बताऊंगा भी कि ठीक है ये किस लिए जो है कट्टरपंथी हैं। चलो, और आपको बता दूं, पहले आप आंसर दो फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर आंसर छुपा हुआ है, इसलिए मैं आपके पहले आंसर का वेट करूंगा फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और ये एक प्रकार का मैं आपको हिंट देने के लिए ये कह सकता हूं कि जो वहाबिस है ये एक प्रकार का आंदोलन था कुछ चीज़ों को सुधार करने के लिए, कुछ चीज़ों के सुधार करने के लिए वहाबिस एक प्रकार का आंदोलन माना जाता था। आंसर दो, बिल्कुल पल्लवी बिल्कुल सही आंसर है, ये जो है ये इस्लामी सिद्धांत और धार्मिक आंदोलन था, और इसको स्थापित इसलिए किया गया था, ये इस्लामिक सिद्धांत और आंदोलन की वजह से इसे स्थापित किया गया था, ये एक प्रकार का इस्लामी सुधार आंदोलन बोला जाता है। आपसे पेपर में पूछ लिया जा सकता है कि इस्लामिक सुधार आंदोलन का नाम बताइए, तो वहां पर आपको वहाबिस एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको टिक करना होगा कि ये इसका राइट आंसर है। ओके, तो वहाबिस एक प्रकार का इस्लामी सुधार आंदोलन भी बोला जाता है। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुस्लिम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी। ये भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य महिला सभा वॉज फाउंडेड बाई किसके द्वारा किया गया था। चलिए आंसर दो फिर मैं आपको बताता हूँ कि किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। और मैं आपको एक हिंट के लिए आपको बता दूं, इनके द्वारा एक जो है, जो भी इसका आंसर है, उनके ही द्वारा एक मुक्ति मिशन की स्थापना भी की गई थी। अब आप आंसर दे सकते हो कि मुक्ति मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, मुक्ति मिशन और यहाँ पर महिला सभा दोनों एक ही बंदे के द्वारा जो है स्थापना करी गई है। चलो आंसर दो बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी समाज सुधारक के नाम पर भी जानी जाती हैं। कौन? पंडित रामाबाई। पंडित रामाबाई जो है एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, महिला सभा का भी फाउंडेशन रखी थी, महिला सभा की भी इन्होंने रखी थी। एक इन्होंने मिशन स्टार्ट करा था, मुक्ति मिशन, जो कि 1890 के अंदर इन्होंने स्टार्ट करा था। ओके, 1890 के अंदर इन्होंने एक मुक्ति मिशन की भी स्थापना करी थी। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है पेपर के मुक्ति मिशन के संस्थापक फाउंडर कौन थी, तो वो पंडित रामाबाई थी। ओके बच्चों, चलो, बहुत बड़ी समाज सुधारक थी, इनका नाम बहुत ज़्यादा जाना था उस टाइम पर, 19th century के टाइम पर इनका नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका था। ओके, लिखा कि J.E.D. बैथ्यून डैश के निकट से जुड़ा हुआ है। बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ब्रिटिश से भी रिलेटेड है और इंडिया से भी रिलेटेड है। ठीक है, और हिंट देने के लिए मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा एक स्कूल कॉलेज, महिला कॉलेज इनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि आज भी है। कहाँ पर है ये आप भी बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। इनके द्वारा एक महिला कॉलेज की स्थापना भी करी गई थी 1801 के अंदर, सॉरी 1801 के अंदर नहीं करी गई थी, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, 1849 के अंदर करी गई थी। ओके, बिल्कुल बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। ओके, कब करी गई थी, 1849 के अंदर जो है ये इन्होंने स्थापना करी थी। और ये क्या थे, ये एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश के अंदर ये जो है पैदा हुए थे, लेकिन ये कानपुर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी 1801 के अंदर ब्रिटिश में, लंदन के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था, उसके बाद कोलकाता के अंदर इनकी डेथ हुई थी 1851 के अंदर। ओके, तो मतलब ये करीब 50 साल इन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी है इंडिया के अंदर। तो 1801 में इनका लंदन में जन्म हुआ था और 1851 के अंदर कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके द्वारा जो कॉलेज, अब ये महिला एडुकेशन से रिलेटेड, तो एडुकेशन से क्यों रिलेटेड, इसका मेन मुद्दा रख लेते हैं, तो एक बिट्ठू नामक एक कॉलेज है किसके अंदर, कोलकाता के अंदर, उसकी स्थापना किसने करी थी, उसकी स्थापना जो J.E.D. बैथ्यून ने करी थी। ओके बच्चों, क्लियर है, फीमेल एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, J.E.D. बैथ्यून बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हैं अपने भारत के। ठीक है, ब्रिटिश के होते हुए भी भारत के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कार्य इनके द्वारा किए गए, बहुत समाज सुधारक काम किए गए, बहुत सारे मतलब आंदोलन के अंदर भी इनका बहुत सारा सपोर्ट रहा था, अच्छे कामों के अंदर बहुत ज़्यादा ये जाने जाते थे। ठीक है, चलो, ये देखिए इनका पूरा नाम है J.E.D. एक बार देख लीजिए, ये इनका पूरा नाम है।
ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कौन सा देश 49वें समांतर से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 49वीं समांतर से कौन सा विभाजित है, तो आप सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए, यूएसए और कनाडा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को, मैदूर को, बेंगलोर, चेन्नई, बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं सभी बच्चों से आगाह करूंगा कि जो बच्चे मेरी वीडियो को देखते हैं उनसे यही कहूंगा कि वीडियो को अगर देखते हैं तो आपने शुरुआत से आखिरी तक देखा करो। बहुत सारे बच्चे शुरुआत में आते हैं उसके बाद जाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लास पूरी लगाया करो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो बच्चों राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बेंगलुरु नहीं होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर कोयम्बटूर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, कोयम्बटूर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सभी बच्चों का राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन लिखा कि ब्लैक फॉरेस्ट आर फाउंड इन, काले वन कहाँ पाए जाते हैं, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, ठीक है, ये क्या लिखा, चेस्कोलोविया के अंदर या फिर रोमानिया के अंदर, बताओ, चेकोस्लोवाकिया लिखा हुआ है बच्चों, सॉरी, चलो आंसर दो बच्चों, राइट आंसर क्या होगा, ब्लैक जो काले वन है कहाँ पाए जाते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट, तो बच्चों ये जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जर्मनी के अंदर। ओके, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के अंदर पाए जाते हैं। कोई बात नहीं शिवम बेटा, क्वेश्चन स्किप करना बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जो क्वेश्चन को स्किप करते हैं, लेकिन एक चीज़ है, मुझे अगर अच्छा लगता है कि आप स्किप करते हो तो उस क्वेश्चन को आप अगर लिखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, आप उस क्वेश्चन को लिख भी लिया करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भूगोल खाड़ी स्ट्रीम किस को संदर्भित करती है, एक गर्म महासागर धारा को, एक मजबूत हवा धारा को, या फिर एक खाड़ी में शामिल होने वाली धाराओं को, या फिर एक धारा का नाम है, बताओ बच्चों भूगोल खाड़ी स्ट्रीम किसको संदर्भित करती है, क्वेश्चन नंबर 28। चलो तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये एक गर्म महासागर धारा को संदर्भित करती है, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छी बात है बेटा, जो नहीं आता बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। चलो सभी लोग सीख लो इनसे कि स्क्रीनशॉट कर लिया करो, अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है ना तो आप स्क्रीनशॉट कर लिया करो, सबसे बेस्ट अच्छी चीज़ है, फुर्सत में आप लिख लेना उस क्वेश्चन को, लेकिन स्क्रीनशॉट कर लोगे तो अभी आपका सेव हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है कि भारत में आबादी की जनगणना प्रत्येक डैश समय के बाद होती है, 10 साल के बाद होती है, 5 साल के बाद होती है, 7 साल के बाद होती है, या फिर एवरी 2 ईयर के बाद होती है, बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। और आपको बता दूं को जो फर्स्ट कंप्लीटेड सेंसस पेपर में पूछी जाती कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुई थी, तो बच्चों 1881 के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब की गई थी, तो 1881 के अंदर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस की गई थी। ओके, जनगणना की गई थी, तो इस क्वेश्चन का जवाब दो कि जो है कि कितने सालों के बाद जनगणना की जाती है। चलिए बिल्कुल 10 ईयर, बिल्कुल इसका सही जवाब है, 10 साल बाद, एवरी 10 ईयर के बाद जो है हमारी सेंसस करी जाती है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी के अंदर, ईसीजी के अंदर, ईईजी के अंदर, या फिर एक्सरे के अंदर, बताओ जहां पर क्या हो, बायोटेक्निक है उसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 30। साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देना बनता है आप सभी का। चलो आंसर दो अनीता बेटा, आंसर दीजिए, आकांक्षा, शिवम, आंसर दो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो बच्चों राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल ए, सोनोग्राफी के अंदर जो है अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। ये बात आज अगर आपके सामने ये क्वेश्चन है तो अगली बार ये क्वेश्चन आप कभी नहीं बोलेंगे, और ये बात याद रखिएगा, अच्छी तरीके से रिवीजन किया करो, और इसकी जब मैं संडे को आपको रिवीजन क्लास लेके आऊँगा तो इन्हीं क्लासों से आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगा, अगर किसी बच्चे ने गलत किए तो मुझे ये लगेगा कि वो बच्चा सिर्फ क्लास में टाइम पास कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, ठीक है।
तो इन क्वेश्चंस का थोड़ा रिवीजन भी कर लिया करो एक बार, अगर जैसे आपने पढ़ा है ना अभी आपने 2 बजे पढ़ा है तो रात को जब सोने का टाइम होता है एक बार वीडियो को रिवाइज कर लिया करो या फिर वीडियो को देख लिया करो। मैं कहता हूँ ना आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। साइंटिफिक रूल का मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को आज पढ़ते हो, एक बार शाम को पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद दूसरे दिन एक बार पढ़ लेते हो, अगर तीसरी बार आप वीक के एंड में पढ़ लेते हो तो वो चीज़ आपकी रिकवर हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, पढ़ तो आप लिया ही होगा, तो आंसर जो इसका है वो क्या है, 45 dB, ओके, ये बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है बच्चों। और इसके बारे में चलिए जान लेते हैं, WHO के बारे में कुछ जान लेते हैं। चलो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर ये मुझे बता दीजिए, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये भी मुझे बता दीजिए, WHO के बारे में बता दो, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। WHO के बारे में मुझे बता दो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 31। चलो अगला क्वेश्चन मैं तब तक आपकी स्क्रीन में कर रहा हूँ, मुझे आंसर दे देना WHO के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि अल्काली धातुएं हैं, इनमें से कौन कमरे के तापमान पर अत्यधिक स्थिर रहती हैं, मतलब अल्काली धातु की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कमरे के तापमान पर अत्यधिक स्थिर रहती है, ठीक है। उसके बाद कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत हो जाती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है या फिर आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देती है, बताइए। अल्काली मतलब अल्कालाइन मेटल के बारे में आपको बताना है, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल। सियोम मेहरा जिनेवा 1948, बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। चलो तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ईजिली जो क्या है ये इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, ओके। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 33 लिखा कि दूध के दही में रूपांतरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताइए। दूध जो होता है उसको दही में रूपांतरण करने में जो है उत्प्रेरक जो उसमें काम करता है, ठीक है, उसका क्या नाम है। पेप्सिन की वजह से ऐसा होता है, इन्वेस्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है, लैक्टेस की वजह से होता है कि डाइटेस की वजह से होता है, बताओ बच्चों। दूध का दही में कन्वर्जेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 33। आंसर दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 का, बिल्कुल लैक्टस, बिल्कुल इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 33 का, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छे बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके आंसर को देखकर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 34 एसिड डैश लिटमस को डैश में परिवर्तित कर देता। अब यहां पर आपको एक आज ट्रिक बताता हूं जो कभी आप नहीं भूलोगे, ओके। चलो आपको पता है एसिड कैसा होता है, खतरनाक होता है, खतरनाक का जो होता है क्या होता है, खतरनाक का जो लोगो होता है, जो कलर दिखाया जाता है क्या होता है, वो रेड होता है। तो सिंपल सा किसमें, ब्लू से रेड में, ओके, ब्लू से रेड में, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके बच्चों। ब्लू से रेड में ये कन्वर्जेशन करता है किसका, एडिस का, सॉरी एसिड का, ओके बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि ऑटोमोबाइल निकास किसे जहरीली प्रदूषक को बढ़ाता है। जो ऑटोमोबाइल के द्वारा जो गैसेस निकलती हैं वो जो है कौन सी गैस को सबसे ज़्यादा प्रदूषित, मतलब प्रदूषण जो निकलती है उसे कौन सी सबसे ज़्यादा जहरीली गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, बताओ बच्चों। चलो आंसर दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35। चलो तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए बहुत अच्छे बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि सहतूत का फल क्या है। सिरोसिस है, प्रजाति के बारे में आपको बताना है, साइकोनोसस है, समारा है या फिर नट है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का क्या, किस टाइप का, सिरोसिस, ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ओके बच्चों। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं, टाइम हो चुका है, ओके। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है कि लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, बताओ बच्चों। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, मानव रक्त के अंदर पाया जाता है, खरगोश के खून में पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट के नेड्यूल में पाया जाता है या फिर चिकन रक्त में पाया जाता है, बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा, चलो आंसर दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा,
आकांक्षा बेटा आंसर को एक बार दोबारा पढ़ के दो मुझे, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ के दोबारा आंसर दो कि राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स। ओके तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके बच्चों चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है, बड़ी आंत से, छोटी आंत से, पित्त मूत्रालय से, या फिर आमाशय से, किससे जो है अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है। यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम आप ऐसे चुटकियों में निकाल दोगे। सियो बेटा आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा। अनीता बेटा भारती चलो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल अनीता का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है, बिल्कुल बड़ी आंत बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ओके बड़ी आंत से लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। ओके तो ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, बड़ी आंत बिल्कुल सही जवाब है। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो, आयरन कंटेंट इज फाउंड मैक्सिमम इन, किसमें अधिकतम आयरन पाया जाता है, फालिया के अंदर, अंडे के अंदर, हरी सब्जियों के अंदर, या फिर दूध के अंदर। देखिए ये क्वेश्चन जो आपके हैं कि नॉलेज को इम्प्रूव करने वाले क्वेश्चन, आपके पेपर में आए या ना आए, कभी आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, सॉरी किसी के साथ आप डिस्कशन कर रहे हो, किसी के साथ बैठे हो और आपसे किसी ने पूछ दिया कि भाई आयरन किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता, तो अगर आपको पता होगा ना तुरंत आप वहाँ जवाब दोगे और सामने वाले बच्चे बंदे पे इम्प्रेशन जम जाएगा कि हाँ वाकई पता है इसको। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। ओके तो इसका जो आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सिंपल सा ग्रीन वेजिटेरियन। आपको पता है जिसको आयरन की थोड़ी कमी होती है उसे बोला जाता है कि हरी सब्जियां खाया करो, ठीक है ये खाया करो, तो ये चीज़ें क्या, हरी सब्जियां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40, एथेन का, एसिटिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर ऑक्सीटोसिन का, बताओ किसका उपयोग किया जाता है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, जैसे आपके आमों के टाइम पर आपको पता होता है कि उसके अंदर एक पदार्थ डाला जाता है पत्थर की तरीके का होता है ना, तो वो कौन सी चीज़ होती है, वो कौन सा पदार्थ होता है ये आपको बताना है। केले पकाने के लिए यूज़ किया जाता है, आम पकाने के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट फल्स को पकाने के लिए इसका सेवन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वो एसिटिलीन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ओके बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि विधान परिषद अधिकतम डैश अवधि के लिए धन बिल को अधिनियम में देरी कर सकती है, मतलब कितने दिनों तक वो रोक सकता है ये आपको, 14 दिन के अंदर, 1 महीना, 3 महीना, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन कल करवाया था, अगर आपने क्लास देखी होगी तो आप आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 40 उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वहां पर कुछ और पूछा गया, यहां पर विधान परिषद की बात करी गई है। ओके यहाँ पर विधान परिषद की बात करी गई है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल 14 डेज, ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। जिन बच्चों ने भी ए आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जैसा कि शिवम, बिल्कुल शिवम मौर्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 42, सी बेटा नहीं आंसर होगा, सी राइट आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 41 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो कि संविधान में जो फर्स्ट सॉरी संविधान के अंदर संबंधित पहला संशोधन 1951 में किया गया था, संविधान के अंदर जो है ओके जो पहला संशोधन किया गया था संविधान के अंदर वो किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। ओके देश की सुरक्षा से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से रिलेटेड है, या फिर संविधान के मौलिक अधिकार प्रावधानों में कोई बदलाव से रिलेटेड है, या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति में कोई अमेंडमेंट है, मतलब किस सब्जेक्ट के ऊपर अमेंडमेंट किया गया था, किसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था ये आपको बताना। पहला अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल का पहला अमेंडमेंट आपको बताना है कि वो किस चीज़ के लिए किया गया था। इतना मतलब अगर आपने फंडामेंटल पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, और ये पढ़ लिया,
तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा यार। पहला अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो मेजर मेजर अमेंडमेंट पूछे जाते हैं, लेकिन ये तो पहले अमेंडमेंट की बात करी गई है, तो इसका तो आंसर आपको देना बनता है। बिल्कुल सी, बिल्कुल इसका सही जवाब है। जो बच्चे सी दे रहे हैं, बिल्कुल संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों में प्रावधान को बदलाव करने के लिए जो है पहला अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि जो पहला जो संशोधन किया गया था वो कौन से ईयर के अंदर कौन से साल में किया गया था। ओके, एक बार मुझे अमेंडमेंट में बता दो कि पहला जो अमेंडमेंट ये जो किया गया था कब किया गया था। बिल्कुल 42 अमेंडमेंट भी किया गया था, लेकिन पहले अमेंडमेंट की हम बात करें कि पहला अमेंडमेंट कब किया गया था। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये मैंने इसलिए डाला कि आपकी नॉलेज में ग्रैंड मैन ओल्ड जो है वो कौन है आपको पता होना चाहिए। बस जनरल नॉलेज के लिए मैंने डाला हुआ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लगभग सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पता होता है। ओके, बिल्कुल राजपूत। चलो आंसर दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43। बिल्कुल ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल मुझे भी पता था, जिन बच्चों को नहीं पता था उनके लिए ये क्वेश्चन डाला हुआ था, क्योंकि कुछ बच्चे नए भी होते हैं जिनको दादा भाई नौरोजी जी के बारे में ही नहीं पता होगा, तो वो उनके उनको कैसे मान सकते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन इन्हें बोला जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन मैं नॉलेज के लिए डाल देता हूँ, डालना ज़रूरी होता है क्योंकि हर लेवल के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है कि जैविक स्थिति का संदर्भ बताओ, कम तापमान, कम नमी, उच्च वाष्पीकरण और अधिकतम तापमान। चलो आपको पता है कि जीरोफाइट जो एक प्रजाति है पौधे की, वो उससे रिलेटेड है ये जैरिक। जीरोफाइट जो है आपका पौधा एक है उससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि ये वो पौधे होते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं। एक तो ये रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, ठीक, एक ये कहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ से पूरा एरिया जो बर्फ़ से ढका होता है। जैसे कि अगर एरिया की बात करें जैसे अंटार्कटिका, आल्प्स, यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा बर्फ़ पड़ती है ना, यहाँ पर जो ये पौधे की प्रजाति होती है वो जो स्थिति होती है उसे जेरिक्स कहते हैं। अब आपको पता है कि जेरोफाइट जो होते हैं वो पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं, वो शुष्क टेम्परेचर में पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है कि नमी कम होती है, तो कैसे ये लो ह्यूमिडिटी, तो बी इसका आंसर हो गया। ओके बच्चों, अगर हम बात करें कि अगर आप आज से किसी ने पूछ दिया कि बता दो कि अच्छा कि वहाँ पर जो होता है पेड़ कौन सा होता है, आपने ये तो बता दिया कि जीरोफाइट एक प्रजाति है पेड़ की, अब आप बता दो कि वहाँ पर पेड़ का नाम मुझे बता दो एक दो। तो मैं अगर नाम किसी का बताऊँ जैसे कि पाइनएप्पल का पेड़ हो गया, ठीक है, एक पेड़ होगा कैक्टस, ये दो पेड़ आपने बता दिया और सामने वाले बंदे पे इंप्रेशन हो गया कि हाँ यार बंदे को पता है कि जीरोफाइट जो होते हैं वो कौन कौन से पेड़ होते हैं, ठीक है। तो जैरिक जो होता है कम नमी वाली स्थिति को हम क्या बोलते हैं, जैरिक बोलते हैं। ओके, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो चलो फाइबर ऑप्टिकस जो होता है संचार करने में सिग्नल किस रूप में यात्रा करता है, जो ऑप्टिकस फाइबर होता है उसकी जो संचार स्थिति होती है वो किस तरीके से संचार करती है, प्रकाश तरंग के साथ करती है, रेडियो तरंग के, माइक्रोवेव में, या फिर विद्युत तरंग के साथ, कैसे जो है अपना संचालन करती है। कम्युनिकेशन का मतलब जो होता है संचार वो क्या होता है ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 46। और एक चीज़ मुझे कमेंट करके आप बता दो कि मैं आपको ये जो है जो डिटेल्स देता हूँ वो ज़्यादा जल्दी तो नहीं देता हूँ, स्लो दिया करूँ कैसे दिया करूँ, एक बार मुझे बता भी देना। बिल्कुल शिवम जी ने कैक्टस का पेड़ भी बना के भेज दिया, बहुत अच्छी बात है। चलो 46 का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बोल जाता हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, फिर मैं अपनी आप स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लूँगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आंसर करो बच्चों। चलो बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है बच्चा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रकाश तरंग के साथ। ओके, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो चलिए आज हम 47 ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 47 क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है, उसके बाद क्योंकि टाइम हो चुका है 53 टाइम हो चुका है, तो अब हम 2 बजे वाली क्लास भी करवानी है ना, तो उसके लिए भी टाइम मुझे चाहिए होगा। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे ऐसा करिएगा कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इसका क्या होगा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलो 2 बजे वाली क्लास में सभी बच्चे जो भी क्लास लेना चाहते हैं, जो लाइव आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं करता हूं, ठीक है। और बाद में आप ऑफलाइन उस क्लास को जरूर देख लेना, वहां पर कुछ मैं डिटेल में बात करूंगा, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, यहां पर आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। बच्चों मैं आपसे कहता हूँ ना कि यहाँ पर आंसर मत दिया करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दिया होगा। ओके चलो, अनिमा शर्मा वेलकम। चलो
मिलते हैं फिर 2 बजे वाली क्लास में। ओके बाय बाय, टेक केयर। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, एक बार वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो। ओके, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो एक बार वीडियो को शेयर भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ भी देना अपने परिवार के साथ। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी 2 बजे वाली क्लास में।